घर से निकले हैं घूमने के लिए और यहाँ ना आए थे। ये वाली जो मेट्रो आई है इसको देख के हमारा पसीना छूट रहा है क्योंकि इसमें पूरा भीड़ है। तो देखो यार कितना ज्यादा भीड़ है, इधर से उधर उधर इधर पूरा लोग ही लोग। सरप्राइज, अभी हम लोग कर्तव्य पथ पे चल के उधर राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के पास तक आ चुके हैं और पसीना अंडर पास से निकले हैं। उसके बाद देखो इधर का क्या है भीड़। तो हे गाइस, और कैसे हो? एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। काफी दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ। टुडे इज 15th of August 2024। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। और आज ऐसे ही मूड की आप तो मन नहीं करता क्योंकि टाइम नहीं मिलता। वीडियोस मेरे पास अभी भी बहुत सारी पड़ी हुई है बट मैं उसको एडिट नहीं कर पाता, इसीलिए बनाना ही छोड़ दिया। बट पूरी कोशिश रहेगी वीडियो बनाने की। और क्योंकि राखी में मेरे को छुट्टी मिलने वाला है 3 दिन का, तो कहीं गए तो बनाएंगे, बट आज तो पक्का बनाएंगे। आज पूरा मैंने टारगेट लेके रखा था पिछले 3-4 हफ्तों से कि अगर नहीं तो 15 अगस्त के दिन तो जरूर बनाऊंगा, तो आज बनेगा। चलते हैं कहीं बाहर, अभी तो फिलहाल छत पे चल के देखते हैं क्या सीन है। आज 15 अगस्त के दिन मैं आया ऊपर वीडियो शूट करने और पता चला कि पिछले 10 मिनट से मैं खड़ा हूँ और बारिश कंटिन्यूसली होते जा रहा है। उसमें भी तिरंगा पूरा देख सकते हो एकदम लहरा रहा है। बारिश ना हमको ना लगता है कि रुकेगा, देख रहे हैं पूरा बादल ऊपर छाया हुआ है काला काला। देखिए स्पीड में बारिश हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा होगा कैमरा में, लेकिन धीरे धीरे बट बहुत ज़्यादा स्पीड है। और बेचारे अभी लड़के लोग पतंग उड़ा रहे थे, अभी भी एक आध दो है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, बाकी सारा का सारा नीचे आ गया है क्योंकि ये लोग पेपर की पतंग उड़ाते हैं और पेपर वाला तो बारिश में गल जाता है ना, दैट्स वाई। अभी भी है, हमको लगता है सब पोलोथीन वाली होगी जितनी भी उड़ रही है। उधर भी एक बंदा ट्राई कर रहा है, उधर आप देख सकते हो सामने छत पे इस वाले पे दिखा ये। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ है लेकिन मौज कर रहा है। अभी घर से निकले हैं घूमने के लिए और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा छकाने के बाद, दिल्ली में तो आप गर्मी जानते हो कितना ज़्यादा होता है, लगता है जैसे भगवान ने हमें ओवन में रख दिया, जब मन करता है तो ओवन में बिजली सप्लाई कर देते, जब मन करता है तो बिजली काट देते हैं। ये शशांक बाबू है हमारे मुखिया जी जो हमारे साथ आए हैं पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन पढ़ता लिखता नहीं है ये लड़का, खाली रील वाला काम करता है। क्या करता है? पढ़ते लिखते हैं। तो गाइस देख सकते हो नए दिल्ली आके हमारा नया दोस्त बना है, हैंडशेक कर लो यार सामंत, ये अभी पटना से ही है इसीलिए दोस्त बन गया। बिहारी लोग को थोड़ा ज्यादा भाव देना चाहिए। बाकी एक हरियाणा से भी दोस्त बनाए हैं। अभी हम लोग राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचे हैं और यहाँ से मेट्रो चेंज करके येलो लाइन से आगे की ओर जाएंगे जो कि इस पे आएगी। ये वाली जो मेट्रो आई है इसको देख के हमारा पसीना छूट रहा है क्योंकि इसमें पूरा भीड़ है भरा हुआ, एकदम पूरा भरा हुआ। और भीड़ देखिए इधर बैठने के लिए, देख रहे हो रस कितना ज्यादा है। तो गाइस अभी हम लोग सेंट्रल सेक्रेटरिया पहुंच गए हैं और इसी के ऊपर है, देख सकते हो ये जो है ना मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है लेकिन इसके ऊपर इंडिया गेट है। और ये लंडे को देखिए, बेचारा को चुल मचा हुआ रहता है, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहता है। यादव जी देखिए ना इसका, तो देखो यार कितना ज्यादा भीड़ है, इधर से उधर उधर इधर पूरा लोग ही लोग, सबका सब भाई, हम भी लोग लाइन में लग गए हैं, बहुत भीड़ है। देखिए सबका सब इंडिया गेट जाने वाले का है। तो गाइस आ तो गए हैं लेकिन बहुत बुरा फंसे क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी है। यहाँ देख सकते हो पूरा इधर से लेके नीचे तक मेट्रो स्टेशन तो कचाकच भरा हुआ है। चलिए तो गाइस फाइनली हम लोग इंडिया गेट में पहुंच चुके हैं, बट गर्मी इतना ज्यादा लग रहा है, ह्यूमिडिटी लेवल जो है ना बहुत ज्यादा, अभी तुरंत बारिश हुआ है तो मैं तो ब्लैक शर्ट पहन के आया था और मेरा पूरा ब्लैक शर्ट आगे से पीछे तक भीग चुका है एकदम, पूरा पसीने से मैं लथपथ हो चुका हूँ। बस इसके एक गलत डिसीजन की वजह से ऐसा हुआ हमारे साथ। भीड़ देखो यहाँ पे कितना ज्यादा है। गलत डिसीजन? तो भाई गलत डिसीजन ही था ना, आज के दिन आया, कल आते परसों आते, आज हम बोले थे इसको पूजा करने के लिए कि चलते हैं कोई मंदिर पूजा कर लेते हैं। और देखो कितना भीड़ है इधर से लेकर उधर, चुप रहा बे, लात खा के मन में लात देगा। इधर देखिए गाइस अभी हम लोग इंडिया गेट पे घूम रहे थे तो देख सकते हैं लोग तो यहाँ घूम भी रहे हैं और हमारा पीपुल भी हमें मिल गया। पीपुल भाई, ए पीपुल, पीपुल गुस्सा हो गया पीपुल भाई, इसका दांत देख रहा है यार, भेड़िया जैसा है, भेड़िया जैसा था, भेड़िया जैसा। पीपुल भाई, पीपुल का भाई है क्या तुम? ए पीपुल भाई नहीं बोलोगे? तो गाइस अभी हम लोग कर्तव्य पथ पे चल के उधर राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के पास तक आ चुके हैं और पसीना इतना ज्यादा गिर रहा है, समझ सकते हैं हमारा तो बुरा हाल है। बस समंत भाई जानते हो जिम करते हैं तब भी इसका हाल देखिए, इसका जो पूरा जो शर्ट है ना अभी ऐसे कर दोगा तो एक गिलास पानी निकल जाएगा, इतना पसीना है देख,
पूरा पसीना से भीग चुके हैं। एक फोटो खिंचवा लेते भाई, कहाँ चला गया है? तुम लोग ऊपर से अंडर पास लिए हैं, जिसके अंडर पास पार करोगे तो उधर इंडिया गेट पहुंच जाओगे। और इधर देखो पूरा इधर ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है इंडिया गेट का, राष्ट्रपति भवन का, और उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। लेकिन देखिए छीना इनकी माँ का बहुत बड़ा भीड़ देखिए कितना ज्यादा है। अंडर पास से निकले हैं, उसके बाद देखो इधर का क्या है भीड़। अरे यार खाली आदमी का मुंडी दिख रहा है, देख रहा है कीचड़ संदूर, कीचड़ कीचड़ है। चलते चलते तो इंडिया गेट के पास हम लोग पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं इंडिया गेट। लेकिन एनर्जी लेवल जो है वो 0% हो चुका है, क्योंकि पसीना इतना गिरा है कि आप सोच नहीं सकते। अनएक्सपेक्टेड, गवर्नमेंट इस पे क्या करेगा, भगवान की महिमा है, बारिश हो गई, एक फ्रूटी भी नहीं दिला सके, एक फ्रूटी चलती इंडिपेंडेंस डे के नाम पे, मैं भी अनाथ हूँ, बजट पास होके होता तो ये वाली बात सही रहती। बहुत ज्यादा गर्मी है देख सकते हो, और भीड़ तो उससे भी ज्यादा है। भीड़ देख के हमको तो लगता है लोग के वजह से दोपहर में आते तो वैसे हो जाते समझे, और भीड़ के वजह से मुझे लगता है इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी तो है ही, और लोग इतना है, सबका सब सांस ले रहा भाई, सबके शरीर का गर्मी 2-3 degrees तो ऐसे ही बढ़ गया होगा। 50,000 से कम लोग नहीं होगा पूरा उधर से जहाँ से हम लोग चल के आए हैं, उस साइड से लेके इस साइड तक। और ऊपर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है इंडिया गेट पे, ये डेडिकेट किया गया है जो सोल्जर्स हमारे, पढ़ लो अब आप इससे आगे मैं नहीं बोल सकता, यही है कुछ। चलिए फिलहाल यहाँ से चलते हैं, यहाँ की पूरा बहुत हालत खराब हो चुकी है, एक बच्चा बालक खो चुका है। अब बालक यादव जी खो गए हैं, यादव जी कहाँ गए पता नहीं चल रहा है, लौटा बच्चा था बहुत उम्मीदें, फिर जियोलॉजी वाला दल खोजेगा कि यादव जी कहाँ गए, अपना पीला गमछा लेके नहीं आए हैं, क्लास में पीला गमछा ओढ़ के बैठा हुआ रहता है, फिर तो मैटर हो जाएगा कल। ये हुई ना बात, इधर देख ये क्या हो रही है, और भाई रोक दिया उन्होंने। तो गाइस हम लोगों का पसीना से इतना हालत खराब हो गया कि हम लोग वहां से आके और यहां पे बैठ गए, क्योंकि यहां पे ठंडक है पानी की वजह से समझे। और हमारा दूसरा है वो बुलाया हुआ है, उसको वॉइस मैसेज डाले, सब कुछ डाले हैं, देखिए अगर वो मिला तो मिला, नहीं तो हम लोग मेट्रो से निकल जाएंगे, यही मैसेज उसके लिए डाल दिए। बगल में रास्ता है बाहर निकल रहा हूँ, अंडर पास के पास, बोलो अंडर पास के जस्ट कहो, अंडर पास पे हम खड़ा है आने के लिए, कहो अंडर पास, एक अंडर पास पे हम खड़ा होते, एक पे जाके तू हो जाए। चल फाइनली कड़ी मशक्कत के बाद ढूंढ लिए दोस्तों, ढूंढ लिए। अभी एक चश्मा हम लोगों को गिरा हुआ मिला, हमारा लौंडा इतना भिखारी है कि वो चश्मा को उठा के अपने पास रख लिया, देख रहे हैं आ गया बढ़िया। लेकिन चश्मावा तो दूसरे का उठा लिया, शर्म नहीं आती क्या आपको भाई? प्लास्टिक स्ट्रगल देख सकते हो कितना ज्यादा करना पड़ रहा है यहाँ पे, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, इस पे से इस साइड उतरना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने बंद कर रखा ये वाला दरवाजा क्यों न क्यों। आज दिल्ली आने के बाद मैंने पहली बार आज खाई है हरी चटनी वाली पानी, उतने दिनों से बहुत दिनों से खोज रहा था हरी चटनी वाली, सॉरी ये क्या इमली वाली पानी, तो यहाँ सब हरी चटनी वाली ₹60 क्या बोल रहा है भाई, ₹60 मुस्कुराइए आप दिल्ली में, ₹60 पे कीजिए समझे, ₹60 दीजिए, अब क्या कर सकते हैं आप तो खाए भैया, ये तो भैया कुछ ज्यादा नहीं हो गया, बहुत ज्यादा नहीं हो गया क्या कितना, 30 रुपए प्लेट, 30 रुपए, हाँ जो मैं आया हुआ था 10 पीस ठीक है, दे दो 30 काटिएगा और क्या। तो गाइस अभी तो हम लोग वहां से निकल गए हैं, और आज पूरी दिल्ली महंगी हो चुकी है बहुत ज्यादा, दो प्लेट हमने क्या कहा था, फुचका कितना रुपया दाम दिया, ₹60 दिए, एक में शायद 7 से 8 पीस दिया, 7 पीस फिक्कर हल्दीराम वाला नहीं होता है। अभी मेट्रो जा रहे हैं, मेट्रो से आगे देखते हैं, बहुत गर्मी लग रहा है। क्या खा रहा है दोस्त, इसमें व्हाइट क्या चीज है, चीज तो नहीं लग रहा है हमको,
काफी क्रीमी है क्या? हाँ हाँ काफी क्रीमी है क्या? प्रोटीन पनीर के साथ एक्सेस प्रोटीन, यही बात है, इसीलिए इसका चेहरे का फेस एक्सप्रेशन देख रहा है। कुछ बोल दूंगा तो याद आ जाएगा। नहीं बोलना तो नहीं है बस। तो गाइस अभी हम बर्गर की आए और एक बर्गर लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा पेटीज, एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा लीज जो भी था सब कुछ डाल दिया है। बट अब टेस्ट देखते इसका कैसा होता है। ठीक है, बस मेरा जूसी जूसी टाइप का लग रहा है क्योंकि इसमें जो चीज जो है ना बहुत ज्यादा हो गया है। ये चीज अपना भाई क्या गुलाबों पी रहा है, पिंकी को लव कर रहा है। हाँ यही बात है भाई, फिर तो वही बात है। कल तो गाइस कल तो आने के बाद मैं सो गया क्योंकि बहुत ज्यादा थक गया था। इतना ज्यादा इधर गर्मी होता कि आप सोच नहीं सकते हो। ह्यूमिडिटी गर्मी तो नहीं कह सकते उसको, कल बारिश हो गया था, बारिश के बाद ह्यूमिडिटी इतना था कि इंडिया गेट पे उतने सारे लोग भाई आप समझ नहीं सकते, पूरा पसीना पसीना हो गया था, पूरा शर्ट से पैंट तक सब कुछ भींग गया। तो पसीने के बाद तो चपचप हो जाता है ना मन, इसीलिए थोड़ी देर वहाँ पे मुश्किल से 30 से 35 मिनट रुके होंगे। उसके बाद फिर वापस मेट्रो पकड़े, वापस घर आ गए। और भाई गांव में तो 45 डिग्री के धूप में मैं घूमते रहता था, आप लोग देखे ही हो, पोखर में नहाने चला जाता था, क्या क्या नहीं किया। यही है, कुछ वीडियोस बनते रहेंगे, अब ट्राई रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।